अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डाउनलोड क्लास नोट्स। आज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 2.5, जो कि पहला क्वेश्चन क्या है 2.5 का है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। ये क्वेश्चन है, मैंने अभी इसका पार्ट नहीं लिखा क्योंकि मैंने आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ एक्स, सम मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू जीरो। ऐसे हम लिखते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इस फॉर्म में जो होती है हम उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एस और पी के सम है। सम किस चीज़ का, रूट्स का सम है। मतलब अल्फा अल्फा प्लस बीटा को हम सम कहते हैं और अल्फा इंटू बीटा को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो अल्फा और बीटा हमारे पास रूट्स हैं, इनका सम और प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखेंगे तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। तो अब हम इसका लिखते हैं पहला पार्ट। ए पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का 1 और 5। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, उन्होंने लिखा हुआ है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये इक्वेशन बनानी है हैविंग फॉलोइंग रूट्स। रूट्स अल्फा बीटा होते हैं, ये दो नंबर हैं। अब हमने सपोज करना है, जैसे 1 हम अल्फा के सपोज कर लेते हैं और 5 हम बीटा के। लिख देते हैं लेट 1 इज इक्वल्स टू अल्फा और 5 इज इक्वल्स टू बीटा। हमने ये दो अल्फा बीटा के बराबर ले लिया जो कि रूट्स होती हैं। अब क्या करना है हमने, अब हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सम कैसे हम फाइंड करते थे, सम होता है हमारे पास इन दोनों का सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा। मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि सम हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो सम हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारे पास 1 है, बीटा हमारे पास 5 है, तो हमारे पास सम क्या आ गया, 6। अब हमने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा हमारे पास प्रोडक्ट होता है और अल्फा हमारे पास 1 है, मल्टीप्लाई बाय बीटा हमारे पास 5 है, 5 × 5 तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, 5। ये तो हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब उन्होंने कहा है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। ये रूट्स थी, अल्फा बीटा हमने सपोज किया था। अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। मतलब ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हमने इसमें पुट करना है। एक्स स्क्वायर हम ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस साइन ऐसे ही आ जाएगा, सम ऑफ सम मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो सम हमारे पास 6 है, मल्टीप्लाई बाय एक्स 6x हो जाएगा, प्लस साइन हम यहाँ वैसे ही लिख देंगे और p क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट क्या है, 5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमने क्या किया, हमने सिर्फ सपोज किया कि 1 अल्फा है और 5 बीटा है, मतलब रूट्स है, अल्फा बीटा रूट्स होती है ना। तो हमने सम फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। सम किसके बराबर होते हैं, अल्फा प्लस बीटा के बराबर। इधर वैल्यूज डाल के हमने सम फाइंड कर लिया। प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा के। इधर हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। इस ये जो इक्वेशन होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इस इक्वेशन में हमने ये वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब मैंने इसका ए पार्ट कर दिया। ए बी सी डी ई एफ ये सारे सेम हैं, थोड़ा डिफरेंट जो है वो जी और एच है, जो कि मैं आपको करके दूंगी। बाकी जो मैं नहीं करी वो आपने खुद से करना है, ये वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है तो वो नहीं करी, बाकी आपने वो खुद से खुद करना है। मैं आपको जी और एच करके दिखाऊंगी। अब जी हमारे पास है 1 + iota और 1 - iota। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसी क्वेश्चन की तरह हमने सपोज करना है, जैसे हम इसको अल्फा के बराबर और इसका बीटा के बराबर लिखते हैं। लेट 1 + iota इज इक्वल्स टू अल्फा और 1 - iota इज इक्वल्स टू बीटा। ये हमने सपोज कर दिया। सपोज करने के बाद हमें क्या फाइंड करना है, सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सम क्या होता है, सम होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारे पास है 1 + iota, प्लस साइन बीच में आ जाएगा, और बीटा क्या है, 1 - iota। यहाँ पे हम लिख देंगे 1 - iota। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 1 + 1 2 हो गया, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस, दोनों आयोटाएं कैंसिल हो गया।
तो हमारे पास सम क्या आ गया, टू। अब हमने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, पी फाइंड करना है, जो कि होता है अल्फा बीटा के बराबर। तो ये अल्फा हमारे पास है 1 प्लस आयोटा, बीटा हमारे पास है 1 माइनस आयोटा। इधर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इधर मैं लिख लेती हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का कौन सा फॉर्मूला होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी की शक्ल में है, हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो प्रोडक्ट हो जाएगा ए, ये हमारे पास आयोटा जो है बी है, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर और माइनस साइन आ जाएगा। अब इसे हम खोल लेंगे, 1 1 0 1। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये आपने पहले 9 क्लास में पढ़ा हुआ है, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। हमारे पास सम और प्रोडक्ट आ गया, हमने इसको ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमने ये चीज उसमें पुट करनी है। एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया माइनस सम हमारे पास 2 है, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारे पास 2 है, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इजी है, हमने पहले अल्फा बीटा के बराबर सपोज करते हैं, फिर सम लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा दोनों की वैल्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। एच पार्ट भी मैं आपको खुद करके दे रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने सपोज करना है अल्फा और बीटा के बराबर, तो हम लिखेंगे लेट 3 प्लस अंडर रूट 2 को हम अल्फा के बराबर ले लेते हैं और 3 माइनस अंडर रूट 2 को हम बीटा के बराबर ले लेते हैं। सबसे पहले आपने इन क्वेश्चन में क्या करना है, सपोज करना है इसको अल्फा के बराबर, इसको बीटा के बराबर, या इसको बीटा के किसी को भी कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं, अल्फा बीटा ही सिर्फ हो। अब हमने क्या करना है, अब हमने सम निकालना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है 3 प्लस अंडर रूट 2, प्लस साइन ऐसे ही आ जाएगा, बीटा लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 2। अब इसमें देखते हैं जो चीज़ कैंसिल हो रही है, कैंसिल आउट कर देंगे, ये प्लस अंडर रूट टू है, ये माइनस अंडर रूट टू है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 प्लस 3 हमारे पास होता है 6, तो सम हमारे पास आ गया 6। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो पी हमारे पास होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 2 है, बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 2 है। अब आप इधर देख सकते हैं हम इसे ए और इसे बी कह सकते हैं, तो ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो कौन सा फार्मूला चल जाएगा, ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी की शक्ल में है, तो इधर ये फार्मूला डालेंगे, तो प्रोडक्ट हमारे पास ये ए है, तो मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बीच में फॉर्मूले वाला, बी हमारे पास अंडर रूट 2 है उसका स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 2 आ जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारा 9 माइनस 2 क्या होता है 7, प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 7। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा, हमारे पास सिर्फ सम और प्रोडक्ट फाइंड किया है, हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट, इसको हम इस शक्ल में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, माइनस साइन भी ऐसे ही, सम हमारे पास 6 है, 6x+7 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये 3 पार्ट्स मैंने आपको खुद सॉल्व करके दिए, बाकी जो मैंने नहीं किए वो बहुत ईजी है, वो आपने खुद ही से करना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीट हो गया है। हमारे पास इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, हमने इस इक्वेशन में सबसे पहले क्या करना है, हमने इस इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। ये इक्वेशन मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+6 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में हमने अल्फा प्लस बीटा मतलब सम और प्रोडक्ट इस इक्वेशन का निकाल लेना है, फिर आगे के पार्ट्स हम खुद ही सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी, इसी की मदद से हम आगे वाले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें ए की वैल्यू निकालनी है, ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास -3 है, सी हमारे पास 6 है। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है कि हमें वो क्वेश्चन में था कि आपने क्वाड्रेटिक
इक्वेशन लिखनी है और रूट्स हमारे पास गिवन थी। इधर भी हमने रूट सपोज करने, रूट्स हमारे पास गिवन ही है, लेकिन इधर हमारे पास इक्वेशन भी दी हुई है, मतलब सम और प्रोडक्ट हमें फाइंड ऐसे ही कर लेंगे इक्वेशन से। तो सम हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय। यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा नहीं है, तो हमने अल्फा प्लस बीटा ऐसे ही नहीं करना, हमने माइनस बी बाय ए के बराबर वाला अल्फा प्लस बीटा करना। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3/1, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास हो गया 3। और अल्फा बीटा हमारे पास क्या होता है, सी बाय ए, तो अल्फा बीटा सी हमारे पास 6 है, 6/1, तो मतलब 6। अब ये जो मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स में ए प्लस अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने ये वैल्यूज पुट करनी होगी क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है हमारे पास 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, ये हमारे पास दो गिवन है। पहले क्वेश्चन में ये है पहला क्वेश्चन, तो 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने इसका सम निकालना है। अगर ये हम कहते हैं ये अल्फा है और ये बीटा है, पिछले क्वेश्चन की तरह हम सपोज कर लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस 1, इसको हमने अल्फा के सपोज कर लिए, इसको हम बीटा के सपोज कर लेते हैं कि ये बीटा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका सम और प्रोडक्ट निकालना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये वैल्यूज हमने क्यों निकाली है, क्योंकि इसमें देखना ये आगे ज़रूरत पड़ेंगी और उनकी वैल्यूज हम इसमें डालेंगे। सम हमारे पास क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है 2 अल्फा प्लस 1, बीटा हमारे पास क्या है 2 बीटा प्लस 1। ये 1 और 1 तो 2 हो गया, पहले लिख लेते 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 1 और 1 तो हमारे पास सॉल्व हो रहा है, ये हो गया 2 आ गया। अब इन सिर्फ आप इन दोनों को देखें, इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो पीछे हमारे पास क्या बचता है, अल्फा प्लस बीटा, और ये प्लस 2, तो हम ऐसे लिख देंगे। हमने इधर क्या किया है, हमने इधर 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, ताकि हम इधर अल्फा प्लस बीटा की ये वैल्यू डाल सकें। तो अब हम अल्फा प्लस बीटा की जगह ये वैल्यू डाल देंगे, तो सम इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 प्लस 2, ऐसे आ गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 2 3 का क्या होता है 6 6 प्लस 2 8, 8 हमारे पास क्या आ गया, सम हमारे पास क्या है 8। अब हमने इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, पी निकालना है। पी क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अल्फा हमने यहाँ पे क्या लिया, 2 अल्फा प्लस 1, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 2 बीटा प्लस 1। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इस ब्रैकेट को खोल लेना है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 2 4 अल्फा बीटा, फिर ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा, फिर 1 इससे होगा, ये हो जाएगा 2 बीटा प्लस 1 1 1। हमने क्या किया, हमने इधर अल्फा और बीटा की वैल्यू डाली और उन्हें मल्टीप्लाई किया और ब्रैकेट को ओपन किया। 4 है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है 6 है, तो हम 4 अल्फा बीटा की जगह 6 लिख देंगे, प्लस 2 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, जो हमने यहाँ पे किया है हम यहाँ पे करेंगे, 2 कॉमन ले लिए, पीछे क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा, और ये प्लस 1 ऐसे ही आ गया। अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने ये 3 वैल्यू पुट करनी है, इसे हम 4 मल्टीप्लाई बाय 6, हमारे पास होता है 24, प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है, ये हमने फाइंड किया हुआ 3, और ये प्लस 1। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 24 प्लस 2 3 6 प्लस 1, इस सब को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 31। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई सम की और प्रोडक्ट की, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू जीरो, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। सम और प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा माइनस साइन, सम हमारे पास 8 है, 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स, प्रोडक्ट हमारे पास 31 है इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमने पहले ये जो गिवन थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से हमने सम मतलब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा किया है, और ये इसका पार्ट था, इसको हमने अल्फा के बराबर, इसको बीटा के बराबर ले लिया, फिर अल्फा प्लस बीटा किया, इधर अल्फा प्लस बीटा की हमने वैल्यू डाली है, इधर हमारे पास सम आ गया, इधर हमने प्रोडक्ट अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा किया मतलब अल्फा बीटा इसे मल्टीप्लाई किया, जहाँ पे अल्फा बीटा लिखा हुआ था हमने ये वैल्यू डाली है, जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिखा था ये वैल्यू डाली है, इधर से हमारा प्रोडक्ट आ गया, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दिया। इसी क्वेश्चन का पार्ट सी मैं कर रही हूँ, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन सेम है। मैंने पार्ट बी इसलिए नहीं किया क्योंकि पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 3 में बिल्कुल सेम है, ए पार्ट वो करूँगी तो वो पार्ट भी आपको खुद ही से समझ आ जाएगी। अब ये पार्ट है, हमने क्या करना है, हमने सपोज कर लेना है पहले लेट, अगर आप इसे सपोज नहीं भी करते तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन अब लिख लिए तो ये मैं नहीं लिखती, पहले हमने इसी का सम निकालना है और इसी का प्रोडक्ट मतलब 1 अल्फा प्लस 1 बीटा करना है, और प्रोडक्ट मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रोडक्ट मतलब 1 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 बीटा। अब हमने बस इसे सॉल्व करना है और ये वैल्यूज पुट करनी है जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है और बीच में प्लस साइन है, तो हमने एलसीएम ले लिया, अल्फा बीटा हमारे पास एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास ये हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लिख देंगे 3 है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 है, 3 1s are 3, 3 2s are, तो सम हमारे पास क्या आ गया, सम हमारे पास आ गया 1/2। अब हमने ये सॉल्व करना है प्रोडक्ट, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 1 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू डाल देंगे जो कि है 6, ये हो जाएगा 1/6, ये हमारे पास हो गया प्रोडक्ट, इसे हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारे पास 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू जीरो। अब इधर क्या करना है, आप इस क्वेश्चन को इधर भी छोड़ सकते हैं लेकिन आपको फुल कंप्लीट करना होगा ताकि आपका सही आंसर आए। अब ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख लिया है लेकिन ये सब फ्रैक्शन फॉर्म है, इस फ्रैक्शन को हमने हटाना है, हम क्या करेंगे 2 और 6 का एलसीएम लेंगे जो कि हमारे पास 6 आता है, तो हम इस सब को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6x² माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/6 इज इक्वल्स टू जीरो। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में था, एलसीएम हमारे पास 6 आया है, 6 को हमने इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमारे पास 6x² हो गया, ये 2 1s are 2, 2 3s are 3 1s are 3, तो ये हो जाएगा -3x, ये 6 6 से कैंसिल, प्लस 1 इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है। हमने क्या किया है, हमने पहले इन दोनों को प्लस किया मतलब सम फाइंड किया और प्रोडक्ट फाइंड किया, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में थी, फ्रैक्शन को हमने हटाना था, हमने एलसीएम लिया 6, एलसीएम आया 6 को हमने इस सब से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई। अब इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी मैं कर रही हूँ, तो सम और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा सेम ही रहेगा। अब इधर क्या करना है, हमने इसका पहले सम फाइंड करते हैं मतलब हम इसी अल्फा बीटा इसको हम प्लस के साथ एक बार करेंगे और प्रोडक्ट मतलब इसे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, पहले सम फाइंड करते हैं, ये फ्रैक्शन फॉर्म में बीच में प्लस साइन है, तो हमने क्या करना है, हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम हमारे पास आ गया अल्फा
बीटा हमारे पास एलसीएम है, ये अल्फा पहले से मौजूद है तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये बीटा पहले से मौजूद है, बीटा एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास नहीं है तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमने पिछले पहले एक्सरसाइज में बहुत बार निकाली है। ये हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन वन का नाम दे देते हैं। हम पहले इसे ये वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के फॉर्मूले से निकालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। इस फॉर्मूले में आपने क्या करना है, आपने ये सारी अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अल्फा प्लस बीटा क्या है, हमारे पास 3 है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमें फाइंड करना है प्लस 2, ऐसे ही आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 6। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, ये ऐसे ही रहेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 6 12, ये 12 उधर जाएगा तो हो जाएगा -12, तो हम इसे लिखेंगे 9 -12 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो 9 -12 हमारे पास होता है -3 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई है, जो कि हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन वन, ये वैल्यू हमने इक्वेशन वन में इसमें पुट करनी है। तो सम इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये आई -3 लिख देंगे। अल्फा बीटा की हमें पता है 6 है, तो हम इधर लिख देंगे 6। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 1 3 3 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1/2 इज इक्वल्स टू सम, -1/2 हमारे पास क्या आया, सम। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में देख रहे हैं, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, पीछे क्या बच गया, 1, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 1। या आप इसको अल्फा बीटा की दोनों जगह वैल्यूज डाल सकते हैं ये वाली, तो फिर भी आंसर 1 ही आएगा। अब इधर हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई और सम की आ गई, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू हमारे पास देखिए -1/2 है, इसे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, -1/2 एक्स प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है इज इक्वल्स टू 0। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये फिर से फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, इसे हमने हटाना है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 एलसीएम आ गया। 2 को हमने इस सब से मल्टीप्लाई करना है, तो हम ऐसे लिख देंगे 2x² प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इधर से भी मल्टीप्लाई करें, लेकिन जो चीज़ इधर 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड होती है वो 0 ही रहती है, तो फ़ायदा नहीं। तो अब इसे हम ब्रैकेट को खोल लेंगे, ये हो जाएगा 2x² प्लस, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2 1s are 2, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 2x² प्लस 1x, 1 बच गया, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इसका आंसर है। हमने क्या किया है, पहले हम इन दोनों का सम और प्रोडक्ट निकाले। सम में हमने क्या किया है, पहले हमने एलसीएम लिया अल्फा बीटा, तो ऊपर आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा स्क्वायर की हमने अल्फा प्लस होल स्क्वायर से हमने इसकी वैल्यू निकाली है, फिर हमने इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट की है। अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पहले से पता थी, ये अल्फा बीटा की वैल्यू ये थी हमारे पास 6, हमने ये वैल्यू डाली, हमारे पास सम की वैल्यू आ गई, प्रोडक्ट वैसे ही कैंसिल हो गया, प्रोडक्ट 1 आ गया। फिर ये दोबारा हमारे पास आंसर जो था फ्रैक्शन फॉर्म में था, हमने इसका एलसीएम लिया है, सबसे मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 2x² प्लस 1x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसका क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करने चाहते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट ई, जो कि है अल्फा प्लस बीटा कॉमा 1/α + 1/β। अब हमने क्या करना है, पहले हमने प्लस करना है, कॉमा का ये जो कॉमा साइन है इसकी जगह हम प्लस साइन लगा देंगे तो सम हो जाएगा, इसी जगह हम मल्टीप्लाई लगा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। मैं बताती हूँ, सम अल्फा प्लस बीटा कॉमा है तो प्लस 1/α + 1/β, ये हो गया हमारे पास सम, और इसी का हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा है, कॉमा की जगह हमने मल्टीप्लाई साइन डाला, बाकी एज इट इज रहेगा 1/α + 1/β। अब बस हमें ये फाइंड करना है, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालना है, तो पहले इसे करते हैं।
अब हमने क्या कर लिया, हमने ये फ्रैक्शन फॉर्म में सब जगह प्लस है, हम इस सब का एलसीएम ले लेंगे, जो कि हमारे पास अल्फा बीटा एलसीएम आ गया। अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, ये अल्फा है पहले से, लेकिन एक और अल्फा के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा। ये बीटा पहले से है लेकिन एक और बीटा होगा क्योंकि नीचे वन है इसके, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर अल्फा। इन दोनों के नीचे अल्फा बीटा है पहले से, तो ये और ऊपर वन है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें हमने सारी वैल्यूज पुट करनी है, तो ये हम लिखेंगे सम। इन दोनों में से देखिए आपके पास आ रहा है कॉमन अल्फा और बीटा, दोनों में कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बच रहा है, अल्फा प्लस बीटा। और ये अल्फा प्लस बीटा हम ऐसे ही लिख देंगे और नीचे वाला भी ऐसे। अब इन सब की जगह हमने क्या करना है, हमने इन सब की जगह वैल्यूज पुट करनी है, ये वाली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाली। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास 6 है, इधर हम 6 लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा 3 है, इधर हमारे पास 3 आ जाएगा, फिर दोबारा 3 आ जाएगा, फिर अल्फा बीटा हमारे पास 6 है, 6 आ जाएगा। 6 3 जर हमारे पास 18 होता है, 18 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6, 18 प्लस 3 हमारे पास होता है 21 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमारे पास 3 के टेबल पे जाएगा, तो ये 3 7 जर 21 और 3 2 जर, तो हमारे पास सम क्या आया है, 7 बाय 2 जो है हमारे पास सम आया। अब प्रोडक्ट फाइंड करना, ये अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ये हमने फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, 3 है, ये पता है हमें, ये हम डाल देंगे 3। ये दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में बीच में प्लस का साइन है, तो हम इधर एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। इधर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, 3 ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई साइन, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो ये 3 1 जर 3, 3 2 जर 6 होते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, 3 बाय 2। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालना है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसमें हमने सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज डालनी है, एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू हमारे पास 7 बाय 2, एक्स प्लस 3 बाय 2 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास फिर से फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आ गया है, जिसको हमने सॉल्व करना है ताकि फ्रैक्शन हट जाए। तो 2 हमारे पास एलसीएम आ गया, तो अब हमने इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 7 बाय 2 एक्स प्लस 3 बाय 2 इक्वल्स टू 0, इस सब को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एक्स स्क्वायर माइनस, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7x, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बहुत इजी था, जहाँ कॉमा होता है उसकी जगह सम है तो प्लस लगा दें, प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई लगा दें, और पूरा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर दें, वैल्यूज डाल दें, तो आपके पास सम और प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर हमारे पास आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, तो हमने उसका एलसीएम लेना है, उस सब टर्म को जो एलसीएम आता है उसे मल्टीप्लाई करना है, और हमारा आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स ख़त्म हो गए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाने जा रही हूँ। 3 जो है हमारा एग्जैक्ट कॉपी है क्वेश्चन नंबर 2 की, मगर इधर फर्क क्या है कि इधर जो इक्वेशन है वो डिफरेंट है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। अब क्या है, इधर हमने अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए हमें ए बी सी की वैल्यूज चाहिए। पहले ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास पी है, सी की वैल्यू हमारे पास क्यू है। इधर से हम अल्फा प्लस बीटा मतलब सम, अल्फा प्लस बीटा होता है जो कि माइनस बी बाय ए के बराबर होता है, तो अल्फा प्लस बीटा, बी हमारे पास है माइनस पी, ए हमारे पास है 1, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया, माइनस पी।
अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट पी फाइंड करना है, मतलब अल्फा इंटू बीटा जो कि हमारे पास सी बाय ए के बराबर होता है। तो अल्फा प्लस बी अल्फा इंटू बीटा मतलब सी हमारे पास क्या है, क्यू, ए हमारे पास 1 है, तो अल्फा बीटा हमारे पास क्या आ गया, क्यू। यहाँ से हमने इस इक्वेशन से हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है और इसको हमने थ्री क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स में पुट करनी है जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज़ की। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए मैं आपको करके दूंगी, आपने पार्ट बी खुद ही करना है क्योंकि पार्ट बी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में समझा चुकी हूँ। ए पार्ट है हमारे पास अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन हैं ये वाले। इसमें क्या करना है, हमने पहले हम निकालते हैं सम और फिर हम निकालते हैं प्रोडक्ट। सम में क्या करते हैं, हम कॉमा की जगह प्लस डाल देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, इस कॉमा की जगह मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे, हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। बस ये हमने सॉल्व करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे निकाल कैसे करते हैं, हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर वाले फार्मूले से। ये होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर वाले फार्मूले से जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में बहुत यूज़ किया है। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ सब जगह हमने ये जो वैल्यूज़ हैं ये पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस पी है, माइनस पी का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे ही आएगा क्योंकि ये हमें चाहिए, हमारे पास नहीं है, प्लस 2 ऐसे ही आएगा और अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, क्यू। इसको हम ओपन कर लेंगे, पी ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2q, ये 2q उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मतलब ये किसके बराबर आ गया, सम आ गया। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि सम इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q, क्योंकि ये सम था ना, ये अल्फा था ये बीटा था, इसका सम निकाला है तो हम इधर सम भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट, जो कि बहुत ईजी है। दोनों में स्क्वायर आ रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू डाल देंगे जो कि क्यू है, क्यू का होल स्क्वायर, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो गया, क्यू का स्क्वायर। इसको हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में हमने इसको लिखना है। एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, सम हमारे पास है ये, माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 2q ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट हमारे पास क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। हमने क्या किया है, हमने इस कॉमा की जगह मतलब हमने सम फाइंड किया है, इन दोनों का सम जो कि हमें इस फॉर्मूले से आया है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हमने सम फाइंड कर लिया है। अल्फा स्क्वायर प्लस इंटू बीटा स्क्वायर, हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर की शक्ल में लिख लिया, इधर हमने ये वैल्यू पुट की और हमारे पास आंसर आ गया। इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाला है तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी आप खुद ही करेंगे क्योंकि ये वाला मैंने पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 2 में किया हुआ है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी बन रहा है। आप उसको देख के ये वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये आपको आराम से इसका पार्ट भी खुद कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।